का नया टाइम टेबल 271 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी, 49 नई ट्रेनें शामिल। नई दिल्ली रेलवे ने मिशन रफ्तार के तहत 261 ट्रेनों की स्पीड बढ़ा दी है। अलग अलग जोन में चलने वाली इन ट्रेनों में अब 110 मिनट तक कम समय लगेगा, जिससे अब यात्री तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। सोमवार से रेलवे के नए टाइम टेबल में यह जानकारी दिखनी शुरू हो जाएगी। रेल बजट 2016-17 में मिशन रफ्तार का ऐलान किया गया था और इसका उद्देश्य मालगाड़ियों की औसत स्पीड को बढ़ाकर 2 गुना करना था। इसके अलावा अगले 5 सालों में सभी नॉन सबर्बन पैसेंजर ट्रेनों की औसत स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना है। इसके अलावा 49 नई ट्रेनों को भी नए टाइम टेबल में जोड़ दिया गया है। इनमें 1 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 34 हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, 11 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, 2 तेजस एक्सप्रेस और 1 उदय एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। रेलवे ने ट्रेनों के डिब्बे और इंजन की संख्या भी बढ़ा दी है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल अब 40 नई सेवाओं को मुहैया कराने, 21 सेवाओं को बढ़ाने और 8 सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर किया जा रहा है। इन सभी को नए टाइम टेबल में शामिल कर दिया गया है। रेलवे ने यह भी कहा कि 2018-19 में 141 छोटी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों को रिप्लेस किया गया है, खासतौर पर रिवर्सल रूट पर चलने वाली ट्रेनों को। इन्हें मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स MEMUs और डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स DMS से बदल दिया गया है। रेलवे में यात्रा का अनुभव बेहतर करने के लिए लंबी दूरी की कुल 411 जोड़ी ट्रेनें अब LHB कोचों के साथ चल रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों का अनुभव पहले से सुधारना है।